मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की बस अनियंत्रित होकर रास्ते में खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे बस में सवार दर्जनों यात्री घायल हो गए। वहीं घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। ये हादसा काटा मोड़ पर हुआ, जहां बैठन से मोरवा की ओर जा रही परिवहन निगम की बस रास्ते में खड़े ट्रक से टकरा गई। इस जोरदार टक्कर की वजह से बस में सवार 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। बस जैन से मोरवा आ रही थी, जो खड़ी गाड़ी में टकरा गई है, इसमें 18 लोग घायल हुए हैं। तत्काल पुलिस ने वहाँ मौके पर पहुँच कर उनका प्राथमिक उपचार कराया है। सभी घायलों की स्थिति सामान्य है, कुछ लोगों को फ्रैक्चर जैसा शिकायत है, तो उनको ट्रामा सेंटर भेजा गया है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।